आज वुमेन एट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक मेमोरेंडम दिया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को, होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को थ्रू डीसी ऑफिस के थ्रू ये मेमोरेंडम दिया गया। इसमें हमने डिमांड की कि कल जो जिम्स हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पर एक बच्ची का रेप करने की कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ ये मेमोरेंडम दिया गया है। इसमें हमने डिमांड की है कि उस जो बच्ची को जो जिसके साथ ये दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, उनको 10 लाख रुपए कंपनसेशन देने का हमारा डिमांड है। और ये इतने बुरे हालात हैं जिम्स हॉस्पिटल के, हम अगर मैं पूरे उनके हालात आज सुनाने में बैठ जाऊं तो मैं समझता हूं 3-4 घंटे लगेंगे। इतने सारे गलतियां, इतने सारे सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं, सही तरीके से इलाज नहीं, इतने सारे सवाल उठते हैं कल के इंसिडेंट को लेकर, क्योंकि जो आरोपी है वो एक प्राइवेट एम्बुलेंस का ड्राइवर बताया जा रहा है। जबकि ये ऐसे केसेस हमें बहुत दिन से सुनने में आ रहे थे कि डेड बॉडी के साथ ऐसा दुष्कर्म किया जा रहा है, ऐसा लेडीज को छेड़ा जा रहा है, इस पर हमने सवाल करने पर सब चुप बैठे थे। वहाँ पर आपने बॉम्बर्स को लगाया है, पेशेंट के कोई अटेंडर को मिलने नहीं दे रहे हैं, पेशेंट जो बुजुर्ग हैं, जो उठ नहीं सकते, जो अपने हाथों से खाना खा नहीं सकते, उनके पेशेंट के अटेंडर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने पर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। तो ये रेपिस्ट कल इतनी रात को जिम्स हॉस्पिटल के अंदर कैसे चला जाता है, इसके जिम्मेदार कौन है? और ये जब ऐसे हरकतें वहां पर होती हैं तो उस टाइम पे ड्यूटी डॉक्टर क्या कर रहा था, उस टाइम पे स्टाफ ड्यूटी नर्स क्या कर रहे थे, वो लोग वहां पे मौजूद नहीं थे। हमने हमारे हर वीडियो में बताया, हमने हर अपील की कि जिम्स हॉस्पिटल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको ऑन किया जाए, उनको जब बिठाने के बाद उन्हें ऑन क्यों नहीं किया जा रहा है। जब एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं तो वहां पे फोकस डाल कर ये बात कही जाती है कि आप सीसीटीवी कैमरे बिठाए, जब जिम्स हॉस्पिटल के अंदर कैमरे मौजूद हैं तो उन्हें क्यों ऑन नहीं किया जा रहा, उन्हें क्यों नहीं चालू किया जा रहा, इससे यह बात समझ में आती है। क्योंकि आप जो अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं, जो आपको घंटा घंटा आधे आधे घंटे में जो विजिट करना होता है वो आप नहीं कर रहे हैं, ये आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, इस वजह से आप वहां के कैमरे ऑन नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये जो रेपिस्ट है, ये जो रेप करने की कोशिश किया है, मैं नहीं समझता कि उसका ये पहला अटेम्प्ट है, क्योंकि वो रोज दारू पीता है। वहां के लोगों का कहना था, कुछ लोग अपनी इज्जत को डर कर ये बात सामने नहीं बोले हैं। कल ये बच्ची चीख कर चिल्लाने पर, पूरे वार्ड के लोग उठने पर ये बच्ची अपने भाई को बुलाकर बोली है। जब ये वाकया हमारे सामने आता है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की टीम, गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन की टीम स्पॉट पे मौके पर पहुंचकर पुलिस को बुलाकर जब ये कंप्लेंट दर्ज की जाती है, अगर ये कॉल गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन के लोगों को अगर कल ये कॉल नहीं आता था तो मैं नहीं समझता था कि ये भी वाकया हमारे सामने आता, इसे भी वहीं मूछा जाता था, इसे भी वहीं छुपाया जाता था, क्योंकि ये लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी झूठी शान बचाने के लिए ये केस को भी वहीं दफन करते थे। ये कोविड पेंडेमिक के अंदर इतने सारे लोग परेशान है, मैं कहता हूं ये वार है, सीधे सीधे वार है। अगर एक बम ब्लास्ट भी होता है, एक आतंकवादी अगर ब्लास्ट करता है तो उसमें सिर्फ जान जाती है। इस कोविड 19 के अंदर लोग तो मर रहे हैं, बेहिसाब लोग मर रहे हैं, साथ ही साथ कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, कोई अपनी गाड़ी बेच रहा है, कोई अपने खेत बेच रहा है, सब अपने कारोबार बेचने पर लगे हैं, जान भी जा रही है, पैसा भी जा रहा है, और साथ ही साथ नौबत तो ये आई है कि आज इज्जत भी चली जा रही है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जागिए, एमपी साहब जागिए, एमएलए मैडम साहब जागिए, वरना थू है आप लोगों की खियादत पर, थू है आप लोगों की लीडरशिप पर। इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कल का जो वाकया, कल रात में हमें 12:30-1 बजे कॉल आया कि यहाँ पर रेप करने की कोशिश की गई। जैसा ही हमारी इन्फॉर्मेशन मिली, हम कंसल्ट अथॉरिटी को फ़ोन करते हुए ऑन दी वे थे, हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे। आते ही हमने ब्रह्मपुर सर्कल साहब को कॉल किया और उन्हें ये तमाम तफसीलात बताया। उसके बाद सर्कल साहब वहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन करे, रिटर्न कंप्लेंट लिए। उसके बाद एक थोड़ी देर में जो रेपिस्ट जो अटैम्प्ट टू रेप करने की कोशिश कर रहा था वो भी अरेस्ट हुआ। तो अब हमारे जो
डिमांड्स हैं हॉनेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका से, हॉनेबल मेडिकल मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर से, हॉनेबल चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका से और डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा से, जो हमारे डीसी मैडम हैं उनसे भी हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो लड़की विक्टिम है उसे 10 लाख रुपीज विक्टिम एक्ट के थ्रू कंपनसेशन देना चाहिए, और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती उसके घर वालों को पुलिस सिक्योरिटी देना चाहिए, क्योंकि ये कोविड पेशेंट है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ ऐसा हो रहा है, जबकि आईसीयू में शिफ्ट है, आईसीयू में एक बाहर आईसीयू गेट के बाहर एक गार्ड रहता है, गार्ड के बाद उसको अंदर जाने का जब परमिशन मिलती है, तो वहाँ पर गार्ड क्या कर रहा था, रात में सिक्योरिटी स्टाफ क्या कर रहे थे, इतने क्वेश्चन रेज होते हैं ये मामले के ऊपर। ये कोई मामली छोटा, एक छोटा वाकया नहीं है। यहाँ पर हमने डीसी मैडम को ये कहना चाह रहे हैं कि और चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका से ये डिमांड्स की है कि विक्टिम को 10 लाख रुपये दिया जाए, उसके घर वालों को पुलिस सिक्योरिटी दी जाए, और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो वहाँ पर थे रात में जिसकी ड्यूटी थी उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ है, अगर एक्शन नहीं हुआ तो अभी उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और तमाम जो यहाँ पर जो मामले कई दिन से चल रहे थे, क्योंकि ये सीसीटीवी कैमरा, आप सीसीटीवी कैमरा निकाले, सीसीटीवी कैमरे में ये आना चाहिए कि वहाँ पर उन कितने दिन से आ रहा था और कितने बार ऐसा किया गया, कल हमें मालूम हुआ इससे पहले ना जाने कितने बार ऐसा हुआ है, तो ये तमाम चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन होकर 30 डेज में चार्जशीट आना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जल्द से जल्द रेपिस्ट को सजा, फांसी की सज़ा हो और घर वालों के इंसाफ मिले। देखिए इससे पहले जो चिंचोली का हाल ही में जो केस हुआ था, इंसिडेंट हुआ था पिछली बार, वो केस को ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन और सैयद मजहर हुसैन डुगेट साहब ने उस केस को फॉलोअप करके वो चिंचोली के जो विक्टिम है उसको फांसी दिलाए थे, उसी तरह के वो इस केस को भी फॉलोअप करके सेम उसी तरह उनको इंसाफ दिलाइए, उनके घर वालों को दिलाइए, और जो कंपनसेशन जो मांग की है उसको पूरा करिए, और बाउंसर्स वगैरह जो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर के जो इंचार्ज हैं वो सीरियस लेके ड्यूटी करें, क्योंकि ये इंसिडेंट पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले बहुत इंसिडेंट हुए, कल एनजीओ फेडरेशन को मालूम होने से ये सब जिम्मेदार।